एवरीवन, दिस इज पलक मालवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसे आप डेली अगर 5 मिनट यूज करेंगे तो आपके फेस पे आपको काफी चेंजेस दिखाई देंगे। आपको रिंकल, छाइयों, ब्लेमिशेस, अनइवन स्किन का प्रॉब्लम है, ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, अभी विंटर्स चल रहे हैं, अगर आपकी स्किन खिंची खिंची रहती है, काफी ड्राई रहती है तो वो भी दूर होगी, आपके फेस पे ग्लो आएगा और आपकी स्किन अगर डल है तो उसे रिपेयर भी करेगी। तो बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत सिंपल रेमेडी है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको इसके लिए नहीं चाहिए रहेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहेंगे वो आपके घर में ही अवेलेबल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेमेडी बनाना। इस रेमेडी को आपको कैसे बनाना है आइए मैं आपको बताती हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रहेगा कच्चा दूध। यहाँ मैंने एक बाउल में कच्चा दूध लिया है, 1 चम्मच। आप सभी जानते हैं अगर डेली आप अपने फेस पे कच्चा दूध अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन 6, विटामिन B6 और कई सारे विटामिन इसमें होते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन और लाइटन करने में बहुत हेल्पफुल करता है, रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। रॉ मिल्क, आपको कच्चा दूध ही लेना है, कच्चा दूध नहीं है तो फिर ऑप्शन में फिर आप जो बॉयल दूध है उसे ठंडा करके यहाँ पर ले सकते हैं। 1 चम्मच आपने कच्चा दूध लिया है। एंड जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर है वो है एलोवेरा जेल। पतंजलि का एलोवेरा जेल यहाँ ले रही हूँ मैं और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 1/2 चम्मच। तो 1/2 चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल, और आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पतंजलि का ले रही हूँ। 1/2 चम्मच इसमें हमने एलोवेरा जेल यूज़ किया है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स में हम ऐड करेंगे वो है ये हनी। डाबर का हनी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का या फिर ऑर्गेनिक हनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, काफ़ी अच्छा होता है वो। तो इसे भी आपको ले लेना है 1/2 चम्मच। 1 चम्मच हमने दूध लिया, 1/2 चम्मच हमने एलोवेरा जेल दिया और 1/2 ही चम्मच हमने लिया है हनी। और इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है 1 स्पून की हेल्प से, ताकि आपस में तीनों अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये लिक्विड ही फॉर्म में है तो इसलिए हम इसे अप्लाई करेंगे हमारे फेस पे कॉटन से। अच्छा, इस रेमेडी को आप चाहे तो दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम हो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे डेली अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इसे आप डेली अप्लाई करके देखिए, बिल्कुल आपकी स्किन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आपकी स्किन बिल्कुल डल है रिपेयर कर देगी आपकी स्किन को, इतनी अच्छी है रेमेडी और बहुत ही क्विक रेमेडी है। कोई भी आपको इसमें ऐसे बहुत इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कॉटन बॉल और इसे मैं इसमें डिप करूँगी। और मेक श्योर जब भी इस रेमेडी को आप अप्लाई करें तो हमेशा की तरह आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, वॉश होनी चाहिए, बिकॉज इसलिए ताकि जो भी हम रेमेडी यूज़ करें वो हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, अच्छे से उसका रिजल्ट हमारे स्किन पे दिखाई दे। तो मेरे फेस बिल्कुल क्लीन है, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। कॉटन डिप करके इसे मैं स्क्वीज कर दूंगी। देन फिर मैं क्या करूँगी, इसे पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे कॉटन की हेल्प से, बिकॉज थोड़ा सा लिक्विडी है तो आपको हैंड्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अप्लाई कर लिया मैंने पूरे फेस पे। अब मैं क्या करूँगी, सर्कुलर मोशन में इसकी 5 मिनट तक मसाज करूँगी। बिल्कुल आप अच्छे से अंडर आई एरिया पे, अपने आईज पे, बिकॉज ये आपके डार्क सर्कल्स को भी दूर करेगा, ब्लैमिशेज को भी दूर करेगा और आपके माउथ के अराउंड अनइवन स्किन है। जनरली हम लोग देखते हैं कि माउथ के अराउंड काफ़ी अनइवन स्किन होती है तो वो भी दूर करेगा। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको इसकी मसाज करनी है 5 मिनट तक, और 5 मिनट के बाद अब इसे नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लीजिए। आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा, बिल्कुल हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखेगा। हनी आप जानते हैं बहुत हाइड्रेट और मॉइस्चराइज आपकी स्किन को रखता है, डल स्किन को रिपेयर करता है, और एलोवेरा में तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन की झाइयों को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को, ब्लेमिशेस को दूर करती है। तो जो भी इसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो बहुत 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 बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए, आपकी स्किन पर रेडिएंट सा ग्लो लाने के लिए और ड्राइनेस को दूर करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने पूरे फेस पे 5 मिनट तक मसाज कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, अगर आप चाहते हैं तो 5 मिनट के बाद से मतलब वॉश भी कर सकते हैं पानी के साथ में,
या फिर आप चाहते हैं तो 5 मिनट इसे ऐसे ही अपने फेस पे छोड़ दीजिए, फिर पानी के साथ वॉश कर लीजिए। मैं क्या करती हूँ, 5 मिनट तक इसे ऐसे ही अपने फेस पे रहने देती हूँ एज इट इज, देन उसके बाद फिर मैं वाटर से वॉश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, पानी के साथ में वॉश कर लिया अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी आपकी, और काफ़ी बिल्कुल आपकी स्किन है ना बिल्कुल मॉइस्चर बना रहेगा, आपकी स्किन में बिल्कुल ड्राइनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आपकी स्किन सॉफ्ट रेडियंट ग्लो करने लगेगी ना। और जब आप इसके डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आपको इसका बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो और रेमेडी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप क्लिक करेगा तभी आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।